हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्पीडी और आप देख रहे हो स्पार्कलिंग सोल्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे बड़े साइन के बारे में, जो आपको ये बताएंगे कि आपकी विश ना पूरी होने वाली है। क्या आप जानना चाहते हो कि वो कौन सा सबसे बड़ा साइन है जिससे ये बात ना पूरी कन्फर्म हो जाती है कि आपकी विश आपकी लाइफ में ना किसी भी हालत में आएगी? और वो साइन ये है कि जब आप अपनी टेक्निक को करने के बाद लेटते हो, मतलब कि मेडिटेशन को करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए लेटते हो, या विजुअलाइजेशन को करने के बाद कुछ सेकंड्स के लिए लेटते हो, या सो जाते हो रात में, तब उस समय अगर आप सोते समय उस जगह पहुंच जाते हो ना जहां आप अपनी विश के साथ एक हो जाते हो, जहां आप उस मोमेंट को जीते हो, जहां पे आपको फील होता है कि आपकी विश आपके पास है, जिन चीज़ों को आप मांग रहे थे वो आपकी लाइफ में आ गई है, आप उन सारे इवेंट्स को, उन सारे पलों को, उन सारे मोमेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हो, जी रहे हो अपने विश के अंदर, अपने ड्रीम्स को अपने साथ एक होते हुए देख रहे हो ना, तो ये बात कंफर्म हो जाती है कि जिन चीज़ों को आप मांग रहे हो ना वो चीज़ें आपकी लाइफ में 110% ना आने वाली है। क्योंकि ये इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग साइन है ना कि ये साइन आपको तभी दिखता है जब आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग बहुत ज़्यादा पावरफुली हो जाती है और आपका सबकॉन्शियस माइंड ना ये बात को समझ जाता है कि इस चीज़ को उसे अपनी लाइफ में ना मैनिफेस्ट करके देना, कुछ टाइम बाद इसी सेम चीज़ को रियलिटी में एक्सपीरियंस करना। और स्पिरिचुअली इन सारी चीज़ों को देखा जाए तो ये चीज़ें आपको ये बताती है कि आपने अपनी वाइब्रेशन को अपनी विश की वाइब्रेशन के साथ कनेक्ट कर लिया। और जब ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं, और कुछ लोगों के साथ तो हर रोज़ हो रही है ना, तो समझ जाइए कि आपकी विश ना बहुत जल्द आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने वाली है। अब किसी भी मोमेंट पे ना यूनिवर्स आपको वो सारी चीज़ें आपकी रियलिटी में दे सकती है। अब अपनी विश के लिए आपको बस रेडी होके बैठना है। अब डाउट के लिए ना आपके खुद के अंदर जरा भी थोड़ी सी भी जगह ना नहीं होनी चाहिए। सो गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। बाय बाय।